और एक बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है भारत की सुरक्षा को लेकर, और इसके तार केवल भारत में नहीं, केवल पाकिस्तान में नहीं, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, विदेशों में कई जगह जुड़े हैं। और जिस तरह से इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जो भारत का उच्चायोग है उसे निशाना बनाया गया, उसके खिलाफ आज राजधानी दिल्ली में ब्रिटेन के उच्चायोग के खिलाफ भारी प्रदर्शन हो रहा है। यूके हाई कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय लोग, और ये सिख समुदाय के लोग ही हैं जो विरोध कर रहे हैं कि आखिर क्यों ब्रिटेन में हमारे उच्चायोग को निशाना बनाया गया और क्यों ब्रिटिश प्रशासन फेल हो गया, विफल रहा लोगों की सुरक्षा के लिए। और मेरे सहयोगी राहुल गौतम हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, जिस तरह से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारत की नाराजगी केवल सरकार के स्तर पर नहीं, जनता के स्तर पर भी है। क्या कह रहे हैं ये प्रदर्शनकारी? बिल्कुल, एक जोरदार प्रदर्शन किया है सिख समाज के ये लोग हैं, और आप देखिए ये ब्रिटिश हाई कमीशन का दफ्तर है। ये तमाम लोग तिरंगा अपनी सीने से लगाकर यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम लोगों के हाथ में प्लेकार्ड्स हैं कि भारत हमारा स्वाभिमान है, और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस प्रकार की घटना घटी इंडियन हाई कमीशन में, यूके में, उसकी एक घोर निंदा करते हैं। और ये साफ तौर पर कहते हैं कि जो सिख समाज है वो हमेशा भारत के लिए हमेशा जान देता रहा है, एक देशभक्त कौम है। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की घटना वहां पर घटी है? देखिए हम देशभक्त लोग हैं, सिखों ने इस देश की आजादी के लिए 80% तक अपनी कुर्बानियां दी हैं, और आज चंद मुट्ठी पर लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वहां पे ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं जिससे देश के हमारे तिरंगे को अपमान कर रहे हैं। हम उसका सख्त विरोध करते हैं, और वहां की सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई आगे ना हो, कोई अपना प्रोटेस्ट करे, जी सत के करे, लेकिन भारत हमारा मान है, हमारा गर्व है, इसको हमेशा ऊंचा रखें। सीने पे आपके तिरंगा है, हाथ में प्ले कार्ड है, भारत हमारा स्वाभिमान है। आप चाहेंगे जो यूके की सरकार है, जिन लोगों ने वो घटना करी अनफॉर्चुनेटली, उनके खिलाफ में कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, ताकि एक बड़ा मैसेज जाए, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, वहां पर जो इस प्रकार के लोग हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रहते हुए सभी सिखों का इस घटना ने शर्म से सर झुकाया है, तो ऐसी जो घटना को अंजाम देते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप यही चाहेंगे कि यूके, आप देखिए ये तमाम जो लोग हैं, देखिए काफी भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, और ये तमाम लोग बार बार यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं यूके हाई कमीशन के अंदर जाकर कि सरकार जो है वो मजबूती से कार्रवाई करे। और ये तमाम लोगों का ये भी कहना है कि जिस प्रकार की वो घटना घटी उससे कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी है उसको कहीं ना कहीं वो बैड नेम। अच्छा, आप ये तस्वीरें देखे बड़े गौर से, जब खालिस्तानी समर्थक भारतीय उच्चायोग को निशाना बना रहे थे, कोई पुलिस वहां मौजूद नहीं थी, और किस तरह से वो खालिस्तानी भारतीय उच्चायोग की मुंडेर पर चढ़ के बालकनी तक पहुंच गए थे, यहां पर दिल्ली पुलिस मौजूद है। ये होता है असली प्रजातंत्र, जहां कानून का तंत्र चलता है। आप देख सकते हैं इसमें कि दिल्ली पुलिस वाले जो प्रदर्शनकारी है उन्हें पीछे खदेड़ रहे हैं, वहां लंदन पुलिस गायब थी। और राहुल, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि लंदन पुलिस और प्रशासन की नाकामी पूरी तरह से खुलकर सामने आई, एक्सपोज हुई। बिल्कुल पूरी तरीके से नाकामी है ये लंदन पुलिस की, और इसीलिए भारत सरकार ने एक सीनियर डिप्लोमेट को बुलाया गया यूके की सरकार की तरफ से, और अपना विरोध दर्ज कराया गया, और साफ तौर पर कहा गया कि जितने भी भारतीय इंस्टॉलेशंस हैं उनको आप पूरी तरीके से सुरक्षा प्रोवाइड करिए। देखिए भारत और लंदन में क्या फर्क है, आप देखिए ये तमाम जो पुलिस वाले हैं ये यहाँ पर काफी देर से खड़े हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। जब यहाँ पर ये प्रदर्शनकारी पहुंचे थे तो ये तमाम लोग गेट के सामने खड़े थे कि ताकि एक भी प्रदर्शनकारी किसी प्रकार से अंदर की तरफ ना जाए या कोई इस प्रकार की घटना ना घटे जिससे देश की बदनामी हो। लेकिन इस प्रकार की जो सुरक्षा है वो हमको लंदन में देखने को कतई नहीं मिलती, जहां पर कुछ मुट्ठी भर लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, भारतीय झंडे का अपमान करते हैं, खालिस्तान का झंडा लगा देते हैं, और तो कुल मिला और मात्र एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जो अब तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना फर्क है, भारत किस प्रकार से दूसरे देशों का मान करता है, और भारतीय उच्चायोग या भारतीय जो राहुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सही मायने में भारत एक प्रजातंत्र है, एक जनतंत्र है।